हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये एक्सरे का गुलदस्ता बनाकर बताऊंगी। इसे बनाने में कम टाइम लगता है और ये बनाने में भी आसान है और ये बस बहुत ही कम खर्चे में बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन आता है उस पर भी प्रेस ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हमने ये एक्सरे लिया है, उसको ये काट लिया है। ये हमने 6 इंच का एक्सरे लिया है और दूसरा एक्सरे हमने उससे बड़ा लिया है, 1.5 इंच बड़ा लिया है हमने, ये इस तरह से 4 सेंटीमीटर बड़ा लिया है इससे। और तीसरा उससे भी बड़ा, और ये दो एक्सरे हमने बराबर के लिए हैं। और ये सबसे लास्ट वाला, ये सबसे बड़ा है। हमने इसमें टोटल 6 एक्सरे यूज़ किए हैं जिसमें मैंने 5 काट लिए हैं। अब हम सबसे पहले ये हम इस पे थोड़ा ग्लू गन लगा के इसको चिपका लेंगे। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप इसको टाइट हाथों से इस तरह से लपेटें, एकदम से टाइट करके, और इस पे फिर टेप लगा लें, सेलो टेप, उससे भी आप इसको लगा सकते हैं। मैंने यहाँ एक ग्लू गन लगा लिया है। इस तरह से, और आप इसको, ये मैं इस पे टेप भी लगा के बता रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये इस तरह से टेप की मदद से इसको लगा सकते हैं। और मैं इसको कम से कम 5 इंच तक ये टेप को लगा लूँगी। मैं जो ये एक्सरे लगाऊंगी वो 5 या 6 इंच की दूरी पे लगा रही हूँ। अब हम इसको काट लेंगे यहाँ से, थोड़ा सा इस तरह से और लपेट लेते हैं। अब हम इस एक्सरे को फोल्ड करेंगे। इसका हमें फ्लावर बनाना है तो हम इस तरह से हाथों को लगा करके और इसको नीचे इस तरह से दबा लेंगे और इसका एक फ्लावर बन जाएगा। अब इसको हम सेलो टेप की मदद से यहाँ पे चिपका लेंगे, चारों साइड से अच्छे से लगा लेना है जिससे कि ये निकले ना इसमें कटे हुए। ये जो एक दो हमारे निकले रह गए हैं इन्हें भी अच्छे से लगा लेंगे। इसको अच्छे से, इसको एकदम से अच्छे से टेप लगा लेना है। ये हमारा फ्लावर बन गया है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे एक दूसरा एक्सरे लगाएंगे, हमने जो इससे थोड़ा बड़ा लिया था सेकेंड नंबर वाला, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारा खिला खिला सा फ्लावर बन जाएगा। आप चाहे तो इन एक्सरों को डेकोरेट भी कर सकते हैं कुछ सितारे या स्टोन वगैरह लगा करके। मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल बताया है। अगर आप इनमें सितारे वगैरह भी लगाएंगे तो इनमें और अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। इस तरह से हमने इसको, अब इसके ऊपर भी हम ये सिल्वर कलर का सेलो टेप लगा लेंगे। इसमें खाली हमने ये सेलो टेप ही लगाया है डेकोरेट करने के लिए।
अब हम इसको भी 5 इंच की दूरी तक का लपेट लेंगे। अब हम ये तीसरे नंबर का एक्सरे लगा रहे हैं, इसको भी हम इस तरह से लगा लेंगे। इसको भी हमने ऐसे ही लपेट लिया। अब हम ये पांचों एक्सरे इसी तरह से लगा लेंगे जो हमने साइज के हिसाब से काटे हुए हैं, और इसी तरह से सब पे लगाने के बाद ये सेलो टेप लगाते चले जाएंगे। अब मैं ये सभी पे लगा लेती हूँ। ये मैंने इस तरह से पांचों एक्सरे लगा लिए हैं। ये नीचे सबसे बड़ा वाला लगाया है, एक एक्सरे का मैंने फूल बनाया है और 5 एक्सरे इस तरह से लगाए हैं। टोटल इसमें 6 एक्सरे यूज हुए हैं। अब हम ये बॉटल लेंगे एक, और उस पर ये थोड़ा सा फेविकॉल लगा करके इस पर हम ऊन लपेटेंगे। इसको हमें डेकोरेट करना है पॉट बनाने के लिए, तो इस बॉटल का हम पॉट बना रहे हैं इसको रखने के लिए। इसको हम इसी तरह से लपेटते चले जाएंगे। और इसी तरह से हम ये पूरी बॉटल को डेकोरेट कर लेंगे। हमने यहाँ सेकंड कलर भी यूज़ किया है, और इस तरह से फेविकॉल लगाते चले जाएंगे और इसको इस तरह से घुमाते चले जाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से लगा लिया है। हमने ऊपर और नीचे ब्लैक कलर का ऊन लगाया है और बीच में पर्पल कलर का लगाया है। कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको काट करके इस तरह से यहीं पे चिपका देना है। ये हमने इस पे ऊन लपेट लिया है। अब इसमें थोड़े से 2-3 स्टोन लगा करके इसे और थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो इसको चारों साइड भी लगा सकते हैं इस तरह से, या फिर सामने सामने जिधर से आपको रखना है उधर भी लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से हम लगा लेंगे इसमें। ये हमने 4 स्टोन लगा लिए इस तरह से, और ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है, एक्सरे का गुलदस्ता। आप चाहे तो इनमें स्टोन वगैरह, सितारे वगैरह कुछ लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा ये एक्सरे का गुलदस्ता बनकर के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।